सो बलूच के बाद मैंने देखी सरी नाम की और एक मराठी फिल्म जो सिर्फ 2 घंटे की है एंड ये फिल्म रोमांटिक जॉनर से बिलोंग करती है। सो हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय, वेलकम बैक टू व्हाट्स माय रिव्यू। आज के वीडियो में सरी फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सो वेट के बाद सरी कैसी हार्ड हिटिंग रोमांटिक फिल्म है जो मैं सबको रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली। अब चाहे इसकी स्टोरी या फिर कैरेक्टर बिल्डअप हो या फिर उनके साथ होने वाला इमोशनल कनेक्शन, ये फिल्म रीमेक होने के बावजूद भी हर चीज़ में आपको बढ़िया लगेगी। सो ये कहानी दिया नाम की इंट्रोवर्ट लड़की की जिसको पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट, और उसके बाद होता है एक अलग लेवल वाला स्टॉकिंग। अब ये जिस लड़के से प्यार करती है उनका नाम है रोहित, एंड थैंकफुली ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एंड फिर शुरू होती है इस फिल्म में इनकी फेरी टेल वाली लव स्टोरी जिसमें आगे जाके एक ट्रेजेडी हो जाती है। अब इस ट्रेजेडी के बाद दिया की लाइफ में और एक लड़का आता है जिसका नाम है आदि। अब आदि के साथ भी इनकी फेरी टेल वाली लव स्टोरी शुरू हो जाती है और फिर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एंड उस पर्टिकुलर ट्विस्ट के कारण फिल्म में खिचड़ी पक जाती है जो खाने में आपको बहुत पसंद आएगी। अब उस पर्टिकुलर ट्विस्ट के बाद दिया की लाइफ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एंड फिल्म का ड्रामा और भी ज़्यादा इमोशनली एंगेजिंग होने लगता है। एंड स्पेशली फिल्म के क्लाइमेक्स में जो भी चीज़ें दिखाई है वो देखना हर किसी की बस की बात नहीं है, एंड उसे सहन करने के लिए भाई जिगर चाहिए, जिगर। सो इस फिल्म के क्लाइमेक्स में जो भी चीज़ें दिखाई है वो हेल डिप्रेसिंग है, एंड इससे मूव ऑन होने के लिए शायद महीनों लग जाए। यार मेरे हिसाब से तो फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और अगर उस जगह मैं होता तो मैं क्या करता। एंड जब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे तो समझ जाना कि फिल्म का कॉन्सेप्ट तगड़ा था एंड फिल्म कंप्लीट विनर है। यार सिंपल सी बात है, जहाँ ट्रू लव है वहाँ पे दर्द तो होगा, एंड जहाँ पे दर्द है वहाँ रिग्रेट होगा, एंड ऐसे कुछ फिल्म के कैरेक्टर्स के साथ हुआ है जो क्लाइमेक्स में आपको बहुत रुलाएगा। अब ये दिया नाम की कनाडा फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है, एंड अगर आप डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सुनने जाओ तो मेकर्स ने फिल्म को जैसे के वैसे बनाए, कोई भी चेंजेस नहीं किए। आता मराठीत मतलब रितिका श्रोत्र यांनी अनेक मराठी सिनेमा केले आहे, पण सरी हा तिचा अजूनपर्यंतचा अप्रतिम सिनेमा आहे जिथे तिची खरी ऍक्टिंग दिसून येते, आणि हा सीन तिने ज्या पद्धतीने केला खरच तुम्ही बघून हादरून जाल। आणि त्याही सोबत अजिंक्य राव यांची ऍक्टिंग सुद्धा खूप चांगली आहे, आणि यांची आणि ऋतिकाची जोडी खरच जमली आहे। अब ये तिसरी बार जब पृथ्वी अंबर ने अपने उसी कॅरेक्टर को प्ले किया है, एंड वही डेडिकेशन, वही कन्विक्शन एंड इमोशनल कनेक्शन मुझे इस फिल्म में नजर आया, स्पेशली फिल्म के क्लाइमेक्स में इनके कैरेक्टर के साथ जो भी चीजें दिखाई है वहां पे उनकी एक्टिंग टॉप क्लास थी। आप ये पूरी फिल्म देखते हुए बीच में जो गाने आते हैं वो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर उनके कंपैरिजन में इस फिल्म का बीजीएम ज्यादा काम कर जाता है, स्पेशली क्लाइमेक्स में। अब इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में मुझे सेकंड हाफ थोड़ा स्लो लगा, बट अगेन उसे लेके मैं कंप्लेन नहीं कर सकता कि ओवरऑल पैकेजिंग फिल्म की अच्छी थी। अब वाल्वी, सरलाई कोटी, गड़ा दंदर जैसी फिल्मों के बाद सरी एक ऐसी फिल्म है जिसका क्लाइमेक्स आपकी बोलती बंद कर देगा। अब सरी नाम की इस मराठी फिल्म को देख के आप बाकी सारी रोमांटिक फिल्मों को भूल जाओगे, इसकी मैं अश्योरिटी देता हूँ। सो ओवरऑल इस फिल्म को देखने का मेरा एक्सपीरियंस तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है, एंड मैं भी आपको ये फिल्म सजेस्ट करना चाहूंगा अपनी फैमिली के साथ इसे थिएटर्स में जरूर देखना। एंड मीनवाइल आपको मेरा वीडियो कितना अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।